फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व के पहले क्वार्टर फाइनल में पांच बार की चैंपियन ब्राजील हार गई है। दुनिया की नंबर वन टीम को क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया है। क्रोएशिया लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में पहुंच गया है, वहीं ब्राजील की टीम लगातार दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में से बाहर हो गई है। इस मैच में ब्राजील के लिए स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। एक्स्ट्रा टाइम तक खेल समाप्त होने के बाद स्कोर 1-1 की बराबरी था। क्रोएशिया ने पेनल्टी में 4-2 से जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 लियोन मेसी की टीम अर्जेंटीना का शानदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार 9 दिसंबर को देर रात खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित किया है। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना क्रोएशिया से होगा। क्रोएशिया ने ब्राजील को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मोरक्को और पुर्तगाल के बीच आज रात 8:30 बजे खेला जाएगा, तो वहीं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मैच 12:30 बजे खेला जाएगा।